मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक मंदिर ऐसा है जहां रावण विराजमान है। रावण के इस मंदिर पर हर वर्ष दशहरे पर रावण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और रावण का यह मंदिर इंदौर के परदेसीपुरा में स्थित है। आपको बता दें कि रावण के इस मंदिर की स्थापना इंदौर के परदेसीपुरा में गोहर परिवार ने की थी और सूरज गोहर ने बताया है कि रावण परम ज्ञानी था। वो सीता माता को बेटी बनाकर ले गया था और रावण शिव जी का भक्त था। ऐसे महान पंडित का पुतला जलाना। विजयदशमी को हम मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं और लंकेश्वर महादेव का हम विजयदशमी के पर्व पर उनका अभिषेक करके यज्ञ हवन करके कन्याओं का पूजन करके खीर प्रसाद वितरण करते हैं। अभी हवन भी चल रहा है यहाँ पर, कितनी बजे से हवन चल रहा है और क्या क्या आयोजन होंगे दिन भर? 11 बजे से हवन चल रहा है और दिन भर में यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है और उनकी मन्नतें पूरी होती है तो उनके जो भी श्रद्धा रहती है वो यहाँ पर श्रद्धा अर्पित करते हैं और न तो अपने यज्ञ का वो भी हिस्सा बनते हैं और पूजन करते हैं और दिन भर यही प्रक्रिया चलती रहती है। आमतौर पर रावण की पुतले धारण करते हैं, यहाँ पर मंदिर है रावण भगवान की, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो लोग रावण का पुतला दहन करते हैं मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि वो रावण का पुतला दहन क्यों करते हैं। रावण ने ना सीता माता का हरण जरूर करा था पर शास्त्रों में ये लिखा गया है, एके रामायण जिनने लिखी उनने बताया है, ये स्पष्ट करा है कि सीता माता रावण की बेटी थी और उन्होंने वनवास में जो घूम रहे थे और जो दुख भोग रहे थे इस कारण से उन्होंने उनको उठा के अशोक वाटिका में जो सबसे सुंदर नगरी कहा जाता था उस समय और उनको रखा गया था और महिलाओं की सुरक्षा में रखा गया था, कभी उन पर कुछ ऐसा प्रभाव नहीं डाला। और जो रावण दहन करते हैं मैं उनसे भी कहूंगा तुम रावण दहन करते हो, रावण जैसा महिलाओं के लिए जो सम्मान था वो किसी में नहीं। अगर आपको दहन करना ही है तो ना तो दुर्योधन जी का करें, जो दुर्योधन ने ना तो 20 सवा में महिला का अपमान करा और आज अपने पूरे देश प्रदेश में ना तो जो रेपिस्ट घूम रहे हैं, जो चोरी डकैती कर रहे हैं जिससे आज अपनी महिला सेफ नहीं है, उनका दहन करें। और अगर उनके खिलाफ अगर कोई ना मुद्दा नहीं उठाता तो उनका पुतला दहन करे। रावण का पुतला दहन करने से आप पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं है उसका। कितना पुराना मंदिर है? रावण का मंदिर अर्जुन सिंह गौर नगर में 2010 से स्थापित किया गया है। 2010 में 10:10:10 पे मूर्ति की स्थापना करी है और जब से यहाँ पूजन होता आ रहा है और मेरे दादाजी विगत 50 वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं और जब से हमने जन्म लिया तो हमको भी उनने जानकारी दी। तो पहले सुगनी देवी ग्राउंड में एक रावण पुतला दहन होता था, हम वहाँ जाते थे, वहाँ भी पूजा करते थे। जब से हम विगत पूजा करते हैं। सूरज गोर।